हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको उत्तर प्रदेश के 10 सबसे खतरनाक मुस्लिम गैंगस्टर्स के बारे में बताने वाले हैं। इनमें से कुछ गैंगस्टर को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है और जो गैंगस्टर अभी भी फरार हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर गुड्डू मुस्लिम का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। इस पर लखनऊ के लॉ मार्टिनियर कॉलेज में बॉयज हॉस्टल के वार्डन और स्पोर्ट्स ट्वीटर पीटर गोम्स की गोलियों से भूनकर हत्या करने का मामला भी दर्ज है। फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में गुड्डू मुस्लिम बम फेंकता हुआ साफ नजर आ रहा था। इस हत्याकांड के बाद से यह फरार चल रहा है। आपको बता दें कि यह यूपी के सभी बड़े माफिया डॉन के लिए काम कर चुका है, जिसमें धनंजय सिंह, अभय सिंह और मुख्तार अंसारी भी शामिल है। पिछले 10 सालों से अतीक अहमद गैंग के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद इस लिस्ट में 9वें नंबर पर नाम आता है कुख्यात गैंगस्टर नदीम उर बिल्लू सांडा का। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। इस पर 3 हत्या सहित लूट, डकैती और रंगदारी के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसे वर्ष 2015 में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था, लेकिन जनवरी 2017 में कोर्ट में पेशी के दौरान यह सदर हवालात की जाली तोड़कर 3 कैदियों सहित फरार हो गया था। फरार होने के बाद इसने कई कारोबारियों को रंगदारी के लिए धमकी दी। हालांकि कुछ दिनों बाद इसे फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के समय पुलिस को इसके पास से 1 पिस्टल और चोरी की 1 बाइक बरामद हुई थी। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है पूर्व सपा सांसद रिजवान जहीर का। इस पर हत्या के प्रयास और मारपीट के कुल 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने जनवरी 2022 में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या करवा दी थी। इसी हत्या के केस में पिछले 14 महीनों से जेल में बंद है। आपको बता दें कि यह 3 बार विधायक और 2 बार सांसद रह चुका है। मार्च 2023 में यूपी प्रशासन ने इसकी अवैध प्रॉपर्टी पर कार्रवाई करते हुए इसकी 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को कुर्क करने के बाद जब्त कर लिया है। इसने यह प्रॉपर्टी अपने दामाद के नाम पर खरीदी थी। इसके बाद इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है अतीक अहमद के कुख्यात शूटर आबिद प्रधान का। इस पर हत्या, अपहरण और मारपीट के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2005 में हुई बसपा विधायक राजूपाल हत्याकांड में आबिद प्रधान भी शामिल था। इसके अलावा इस पर अपनी चचेरी बहन और ड्राइवर की हत्या करने का मामला भी दर्ज है। इसने अतीक अहमद के इशारे पर कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया है। इसी वजह से दिसंबर 2020 में पीडीए ने इसके मकान को जेसीबी की मदद से गिराकर खंडहर बना दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अप्रैल 2021 में रसूलपुर काजीगांव से निर्विरोध प्रधान चुना गया है। इस लिस्ट में 6वें नंबर पर नाम आता है पश्चिमी यूपी के खनन माफिया हाजी इकबाल का। इसने मायावती और अखिलेश यादव के शासनकाल में अवैध खनन करके अरबों की संपत्ति अर्जित की थी। इसके अलावा इसने फर्जी दस्तावेज की मदद से कई चीनी मिलों को खरीदा था। इस पर कुल 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसी वजह से इस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल यह फरार चल रहा है और यूपी पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई है। सितंबर 2022 में यूपी प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करते हुए इसकी 100 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने के बाद जब्त कर लिया है। इसके बाद इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है प्रयागराज के कुख्यात गैंगस्टर मोहम्मद जावेद उर्फ पप्पू गंजिया का। इस पर हत्या, मारपीट और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 5 हत्या के मामले शामिल हैं। इसी वजह से इस पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। वर्ष 1989 में इस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद इसने एक के बाद एक कई वारदातों को अंजाम दिया। इस पर गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है। अक्टूबर 2020 में पीडीए ने इसकी अवैध संपत्ति कुर्क करने के बाद इसके बंगले को जेसीबी की मदद से गिराकर खंडहर बना दिया है। इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है अतीक अहमद के भाई अशरफ का। इस पर हत्या, अपहरण और रंगदारी के 50 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने दिसंबर 2015 में अपने साथियों के साथ मिलकर आबिद प्रधान के ड्राइवर सुजीत की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद अशरफ लंबे समय तक फरार था। इसी वजह से इस पर 1,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई। कुछ समय फरार रहने के बाद आखिरकार इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जून 2021 में यूपी प्रशासन ने इस पर कार्रवाई के तहत इसकी 15 करोड़ की कुल 12 जमीनों को कुर्क कर लिया है। इसने यह प्रॉपर्टी अवैध तरीके से हासिल की थी। आपको बता दें कि 15 अप्रैल की रात 3 हमलावरों ने पुलिस कस्टडी के अंदर ही इसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इस लिस्ट में 3रे नंबर पर नाम आता है अंबेडकर नगर के कुख्यात गैंगस्टर खान मुबारक का। यह अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी का भाई है। इसने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। कहा जाता है कि इसने क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर द्वारा रन आउट दिए जाने पर इसने उस अंपायर को गोली मार दी थी। इसके बाद वर्ष 2006 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डाक खाने की डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। इसका नाम सुर्खियों में तब आया जब इसने वर्ष 2006 में मुंबई के काला घोड़ा शूट आउट को अंजाम दिया। इस शूट आउट के दौरान इसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस वैन में 2 आरोपियों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी।
वर्ष 2007 में इसने कैशवैन लूटकांड को अंजाम दिया। इसी केस के सिलसिले में यह 5 साल तक नैनी जेल में बंद था। वर्ष 2012 में जेल से बाहर आने के बाद यह फिर से रंगदारी और जबरन वसूली की वारदातों को अंजाम देने लगा। इसी बीच इसने मामूली विवाद पर एक भट्टा कारोबारी एवं ट्रांसपोर्टर की हत्या कर दी थी। इसके अलावा वर्ष 2017 में इसने बसपा नेता मेहदी पर जानलेवा हमला कराया था। इस हमले में 6 गोली लगने के बाद भी मेहदी बच गए थे, लेकिन वर्ष 2018 में खान मुबारक ने दोबारा मेहदी पर हमला कराया। इस हमले में मेहदी और उनके ड्राइवर की मौत हो गई थी। हत्या के केस में यह जेल में बंद है और उम्र कैद की सजा काट रहा है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है प्रयागराज के टॉप माफिया डॉन अतीक अहमद का। वर्ष 1979 में सिर्फ 17 साल की उम्र में इस पर हत्या का पहला मामला दर्ज हो गया था, जिसके बाद इसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके खिलाफ लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट और इलाहाबाद में हत्या, अपहरण और जबरन वसूली के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज है। इसके अलावा इस पर कानपुर में भी कई मामले दर्ज थे, जिनमें यह बरी हो गया था। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के बाद इसे समझ आ गया था कि सत्ता की ताकत कितनी जरूरी है। इसी वजह से इसने राजनीति का रुख किया। जनवरी 2005 में अतीक अहमद और उसके भाई ने धूमनगंज इलाके में विधायक राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या कर दी थी। इस हत्या के बाद दोनों भाई को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इसी हत्या के साथ अतीक अहमद और उसके परिवार का राजनीतिक करियर तबाह हो गया। इस हत्या के बाद इसने कई विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े, पर सभी चुनाव में इसे हार का सामना करना पड़ा। अभी कुछ समय पहले फरवरी 2023 में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में था। आपको बता दें कि उमेश पाल वर्ष 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। उमेश पाल हत्या के कुछ दिनों बाद ही तीन हमलावरों ने पुलिस कस्टडी के अंदर ही अतीक अहमद और उसके भाई की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। इसके बाद इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है उत्तर प्रदेश के टॉप बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी का। यह पिछले 5 बार से उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा से विधायक है। यह पिछले 15 सालों से जेल में बंद है, लेकिन इसका रुतबा इतना ज्यादा है कि यह जेल में रहते हुए न सिर्फ चुनाव जीतता है बल्कि अपनी गैंग को भी चलाता है। इस पर हत्या, हत्या के प्रयास और अपहरण के कुल 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज है। वर्ष 2005 में इस पर मऊ में हिंसा भड़काने का आरोप लगा, जिसके बाद इसने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। इसके बाद से यह जेल में बंद है। शुरुआत में इसे गाजीपुर जेल में रखा गया था और बाद में इसे आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। जेल में बंद होने के बाद भी इसका पूरे पूर्वांचल में दबदबा कायम है। रेलवे ठेकेदारी, शराब और खनन के धंधे पर इसका एक तरफा राज है। इन सब के अलावा मुख्तार अंसारी की छवि गरीबों के रॉबिन हुड के रूप में भी है, जो अमीरों से पैसे छीनकर गरीबों में बांटता है। मऊ के लोगों को मानना है कि सिर्फ दबंगई ही नहीं बल्कि बतौर विधायक भी मुख्तार अंसारी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बहुत काम किया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसने अपने संसदीय क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज और सड़क के निर्माण में अपने विधायक निधि से 20 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया है। अभी हाल में ही अदालत ने इस पर वर्ष 2007 में दर्ज हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में फैसला सुनाते हुए इसे 10 साल की सजा सुनाई है। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो नीचे कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए धन्यवाद।